वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और ये देखिए बीपीएससी 133 जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी सेकंड क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले मैंने एक ब्लॉक आपका कंप्लीट करा दिया था एक क्लास में, आज हम बात करेंगे सेकंड ब्लॉक की, क्योंकि आपकी क्लास सेकंड है। आप अपने सब्जेक्ट कोड को मैच कर लीजिए, बीपीएससी 133 पॉलिटिकल साइंस की कॉन्सेप्ट क्लास है। इसमें हम बात करेंगे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू बिल्कुल सहज भाव से, धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही गया होगा, ये क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी और चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी दोस्तों। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो याद रखिए जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली की खास बात यह होती है, क्योंकि इसके नाम में छिपा हुआ है संसद, तो एक ऐसी प्रणाली जिसमें संसद हो, ऐसा मान के चलिए जिसमें पार्लियामेंट हो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो अलग हो और सरकार का अध्यक्ष जो होता है वो अलग हो। जैसे भारत का अगर हम एग्जाम्पल लें तो राज्य यानी देश का जो अध्यक्ष होता है उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। और सरकार का जो अध्यक्ष होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो ऐसी ही शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, जहाँ पर एक संसद हो, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति हो और सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो और शक्तियों का बंटवारा हो चुका हो, ऐसी व्यवस्था को हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। देखिए समझिए, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये है सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें सरकार की जो कार्यपालिका होती है यानी जो नियमों को लागू करती है और विधानसभा जो क्या करती है नियमों को बनाती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। यानी कि हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की तो इसमें क्या होता है, कार्यपालिका हो चाहे आपकी प्लस विधानसभा, इसमें कोई विभाजन नहीं होता, ये एक साथ क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, इसमें कोई विभाजन नहीं होता। आपने देखा होगा लोकसभा के कुछ अध्यक्षों में से मंत्री और कैबिनेट मंत्री चुने जाते हैं, जबकि वो बैठते उसी संसद में ही है, लोकसभा के अंदर ही बैठते हैं। इसलिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कोई बंटवारा यहाँ पर नहीं होता, कोई अलगाव सेपरेशन यहाँ पर नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका होती है जो नियमों को लागू करने वाली संस्था होती है, फिर आप कह सकते हैं जो कैबिनेट होती है, मेन तो कैबिनेट ही आती है आपकी मंत्रिपरिषद, तो कैबिनेट जो होती है वो विधानसभा से क्या की जाती है, तय की जाती है। कैबिनेट को कहाँ से तय किया जाता है, विधानसभा से। साथ साथ याद रखिए जो इसके प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही होती है, और कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के। इस प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, याद रखिए ब्रिटेन से हुई थी, क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट होता है, लोअर हाउस और अपर हाउस, और साथ साथ ये कहाँ कहाँ होता है, भारत में भी है, जापान जर्मनी में है, इटली में भी संसदीय शासन प्रणाली है, स्वीडन हो गया आपका, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसके अगर चार पॉइंटों की आप बात करें तो याद रखिए जो संसदीय शासन प्रणाली होती है आपकी, वहाँ पर देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में कोई बड़ा बंटवारा नहीं होता, और अगर लास्ट बात करें हम तो जो हमारी विधायिका होती है और जो कार्यपालिका होती है एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। तो उम्मीद है आपको संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों। डन, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की, कि क्या खास बात होती है हमारी संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली किन मायनों में खास होती है। तो इसकी विशेषता ये है जो राष्ट्रपति प्रणाली से इसे अलग करती है, क्योंकि आपको पता है शासन प्रणाली दो तरीके की होती है हमारी, जो क्या होती है दोस्तों, हमारी शासन प्रणाली होती है ये दो तरीके की आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक तो होती है आपकी संसदीय शासन प्रणाली, जहाँ पर संसद होता है और देश का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, और दूसरी शासन प्रणाली होती है आपकी राष्ट्रपति वाली, या जिसे हम दूसरी भाषा में अध्यक्षात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। डन, तो देखिए हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली क्या विशेषताएं हैं। पहला तो हो गया दो कार्यकारी प्रमुख, इसके बारे में हम जानेंगे। कार्यपालिका और विधानसभा ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों ही संसदीय शासन प्रणाली में होती हैं, लेकिन कार्यपालिका और विधानसभा के बीच में कोई बंटवारा नहीं होता। तीसरी बात, सामूहिक जिम्मेदारी, भाई सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी यहाँ पर होती है, सरकार का प्रमुख का नेतृत्व होता है, सरकार के प्रमुख का नेतृत्व, जैसे फॉर एग्जांपल अगर भारत की बात करें तो नरेंद्र मोदी है ना, जो नरेंद्र मोदी है ये सरकार के प्रमुख के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, ये बात आपको याद रहेगी, नरेंद्र मोदी। क्लियर। अगली बात करें तय अवधि का अभाव, भाई सीधी सी बात है यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक बार चुनाव हो गया है तो एक निश्चित कार्यकाल तक वो काम करेगा, हो सकता है बीच में लोकसभा भंग करनी पड़ जाए और सरकार
बर्बाद हो जाए, डन। तो यहाँ पर तय अवधि नहीं होती किसी भी शासन की, क्लियर। अब इन विशेषताओं पर चर्चा करते हैं एक एक करके। ये सब संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता आपको दिख गई होगी, दो कार्यकारी प्रमुख। तो संसदीय शासन प्रणाली में कितने हेड होते हैं? टोटल दो हेड होते हैं। कौन कौन से दो हेड होते हैं? एक होता है राज्य का प्रमुख यानी देश का प्रमुख, और एक होता है सरकार का प्रमुख। जो राज्य का प्रमुख होता है इसे तो हम राष्ट्रपति कह देते हैं, राष्ट्रपति, और जो सरकार का प्रमुख होता है इसे हम प्रधानमंत्री कह देते हैं। बस इतना सा फर्क है। यहाँ पर दो पोस्ट बन जाती हैं, एक राज्य का प्रमुख और एक सरकार का प्रमुख। दूसरी विशेषता क्या है? कार्यपालिका और विधानसभा का संलयन। संलयन का मतलब ये होता है जुड़ाव, इन्हें आप अलग नहीं कर सकते। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधानसभा से ही बनती है, विधायिका से ही बनती है, इसलिए आप सेपरेट नहीं कर सकते कि कार्यपालिका अलग होती है और विधायिका अलग होती है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार की जो विधायी शक्ति होती है और कार्यपालिका शाखा होती है, इनके बीच में शक्तियों का कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं होता। मैं आपको पहले कह चुका हूँ ये दोनों सेपरेट नहीं की जा सकती। इनमें शक्तियों का क्या होता है दोस्तों? संलयन होता है, दोनों की शक्तियाँ आपस में मिली हुई होती हैं। विधायिका का ही एक ग्रुप क्या बन जाता है? कार्यपालिका बन जाता है। विधायिका कानून को बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, जबकि न्यायपालिका की अगर बात करें तो कानूनों का पालन कराने का काम करती है। इतनी बात आपको याद रहेगी। चलिए, ये हो गई दो विशेषताएं। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता जो संसदीय शासन प्रणाली में हमें देखने के लिए मिलती है। तीसरी विशेषता ये है सामूहिक जिम्मेदारी। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है इसमें कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद को सार्वजनिक रूप से, साथ ही विधानसभा में सभी सरकारी निर्णयों का समर्थन करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, हमारे देश में कोई भी कानून अगर बनता है तो उस पर सबकी सहमति ली जाती है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल विधायिका में या विधानसभा में कहीं कानून बनता है, या फिर आप मान के चलिए संसद के लोकसभा से कोई कानून बनना शुरू होता है, हालांकि उस कानून को हम विधेयक के रूप में जानते हैं। अब कोई भी बिल या विधेयक रखा जाता है तो उस पर आम सहमति बनाई जाती है, वोटिंग कराई जाती है। कोई कोई कानून एक तिहाई बहुमत से यानी सामान्य बहुमत से पास होता है तो कोई दो तिहाई विशेष बहुमत से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह है कि कानून पर आम सहमति लेना जरूरी है, और इसीलिए सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कानून बनाना और उनको लागू करना। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक जिम्मेदारी होती है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा या विधायिका या लोकसभा में बैठने वाला हर व्यक्ति महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये तीसरी विशेषता थी हमारी किसकी? संसदीय शासन प्रणाली की। अब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की फोर्थ विशेषता की, सरकार के प्रमुख के नेतृत्व। सरकार के प्रमुख का नेतृत्व का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बात आती है प्रधानमंत्रियों और कुलपतियों के हाथों में रहती है। भाई सीधी सी बात है कि आप देखो पूरे देश में इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ी गवर्नमेंट कौन सी होती है? आप कहेंगे सर केंद्र सरकार होती है, और केंद्र सरकार में भी 545 से लेके 550 के बीच में जो सांसद हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, और 250 जो सांसद हैं हमारे कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा में बैठते हैं। लेकिन क्या सबके पास बराबर शक्तियाँ होती हैं? नहीं। सरकार का जो नेतृत्व कर सकती है उन्हीं के हाथों में होती है, जो मंत्री परिषद होती है और जो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ये बात आपको याद रखनी है। साथ साथ ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री, उसका मंत्री परिषद, विधानसभा और बहुमत दल का नेता होता है। भाई सीधी सी बात है, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। बात आपको याद रखनी है, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। कैसा? बहुमत प्राप्त दल का, दल यानी कि पार्टी का जो नेता होता है ना, उस नेता को हम क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर हम उसे कहते हैं। और बहुमत का मतलब होता है दोस्तों दो तिहाई वोट, है ना। जिस नेता को दो तिहाई वोट मिल जाती है हमारी कहाँ पर लोकसभा में, तो उसे हम कहते हैं बहुमत प्राप्त पार्टी का नेता। इस समय अगर बात करें तो देश में किसकी? मोदी सरकार है, तो बीजेपी के पास दो तिहाई बहुमत है लोकसभा में, इसलिए मोदी सरकार है। हालांकि उन्हें तो पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत का मतलब यह है कि दो तिहाई से भी ज़्यादा सीटें उनके पास हैं। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं लास्ट विशेषता की जो संसदीय शासन प्रणाली में होती है। मैंने आपसे कहा था कोई भी तय अवधि मौजूद नहीं होती यहाँ पर किस चीज़ की? जैसे बात करें विधानसभा की, आमतौर पर निचला सदन होता है किसी राज्य का, एक अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपनी अवधि को समाप्त करके पहले सरकार को हटा सकती है। मैंने आपको कहा नहीं था, चाहे लोकसभा हो जो कि केंद्र सरकार का निचला सदन होता है, और चाहे राज्य सरकार का निचला सदन हो विधानसभा, इन दोनों को ही भंग किया जा सकता है समय से पहले। तो इसका मतलब कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता। वैसे संविधान कहता है कि कम से कम लोकसभा या विधानसभा के चुनाव 5 साल के लिए होने चाहिए, या 5 साल तक तो रहते ही रहते हैं, लेकिन बीच में भी इन्हें भंग किया जा सकता है।
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो संसदीय सरकार होती है किस तरीके से चलती है। तो जो हमारा संसदीय सरकार होती है वो इस तरीके से चलती है। अगर हम बात करें भाई, संसद दो तरीके की हो सकती है, एक तो हो सकती है आपकी केंद्रीय संसद और एक आपकी सरकार हो सकती है राज्य संसद। केंद्रीय संसद की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक लोकसभा आपको देखने के लिए मिलेगी जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, निचला सदन, और एक राज्यसभा होती है आपकी जिसे हम क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं या ऊपरी सदन कहते हैं। राज्य में भी सेम ही स्ट्रक्चर होता है, लोअर हाउस के रूप में, निचले सदन के रूप में होती है आपकी विधानसभा, और अपर जो हमारा हाउस होता है उसके रूप में होती है आपकी विधान परिषद। डन दोस्तों, तो इस तरीके की जो व्यवस्था जिस देश में पाई जाती है, जैसे कि भारत में पाई जाती है, ऐसी व्यवस्था को हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली हम कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रखने की है। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद है संसदीय शासन प्रणाली यहाँ आपको क्लियर हो गई होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं। डन। डन दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको चीजें साफ साफ दिखाई दे रही होंगी और चीजें सुनाई दे रही होंगी। ओके, चलिए, राष्ट्रपति प्रणाली का क्या अर्थ है। देखिए, राष्ट्रपति प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये भी एक सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रपति प्रणाली का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, है ना। तो इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का वह स्वरूप होता है, सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें सरकार की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं और जो विधायी शक्तियां होती हैं वो अलग अलग होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी राष्ट्रपति प्रणाली होगी, जो क्या होगी, राष्ट्रपति शासन प्रणाली होगी, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। इस शासन प्रणाली की खास बात ये होती है कि यहाँ पर क्या होता है, बंटवारा होता है, कार्यपालिका अलग होगी, है ना, जो क्या करती है, नियमों को लागू करने का काम करती है, और विधायिका आपकी अलग होगी। क्या अलग होगी, आपकी विधायिका अलग होगी, जो नियमों को क्या करती है, निर्माण करने का काम करती है, नियमों को बनाने का काम करती है। तो इसलिए से हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों काम करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बात करें तो ये आपकी अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पर आप देख पाते होंगे कि वहाँ पर कार्यपालिका अलग रूप में काम कर रही होती है और विधायिका अलग तरीके से काम कर रही होती है, और एक दूसरे के लिए यहाँ पर जवाबदेही भी नहीं होती, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बन जाती है कि यहाँ पर एक दूसरे के लिए जवाबदेही नहीं होती। दूसरी बात, दोनों आपसी रूप से स्वतंत्र होते हैं, दोनों में आज़ादी होती है। इसमें जो कार्यपालिका होती है विधानसभा को अलग से चुना जाता है, यानी कार्यपालिका को अलग से चुना जाता है और विधायिका को यहाँ पर अलग से चुना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों पर एक दूसरे का कोई दबाव, कोई प्रेशर यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे चलते हैं राष्ट्रपति शासन प्रणाली को लेकर। राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन प्रणाली की अगर बात करें तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली की कुछ मुख्य विशेषताएं यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक ही मुखिया। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर मुखिया के रूप में केवल राष्ट्रपति चुना जाता है, वहाँ पर कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, वहाँ पर पीएम के पोस्ट ही नहीं होता, तो केवल एक मुखिया होता है। शक्तियों का बंटवारा बहुत अच्छे से होता है, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर होते हैं, कानून बनाने का अधिकार होता है, और कार्यालयों के तय अवधि होती है। सीधी सी बात है, यहाँ पर बीच में नहीं हटाया जा सकता किसी की, या क्योंकि यहाँ पर कोई संसद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसे भंग भी नहीं किया जा सकता। जिसका जितना टाइम पीरियड है शासन करने का वो उतना शासन करके रहेगा। डन, ये बात आपको याद रखनी है। अब एक एक विशेषता को राष्ट्रपति शासन प्रणाली की भी हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं एक ही मुखिया का क्या मतलब है। आपको पता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में केवल एक ही मुखिया होता है और उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति ही कहते हैं। एक भी निर्वाचित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, है ना। और हम कह सकते हैं यह व्यक्ति दो ताज पहनता है। अब दो ताज कौन से पहनता है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भी यही है, राष्ट्रपति भी यही है, राज्य का प्रमुख भी यही है, सरकार का प्रमुख भी यही है। तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली की खास बात यह होती है कि जो देश के अंदर का शासन चलाता है वही बाहरी मुद्दे भी संभालता है। तो राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री दोनों ताज एक ही व्यक्ति पहनता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। क्लियर। चलिए, शक्तियों का विभाजन। अब बात करते हैं हम शक्तियों के विभाजन की। देखिए, शक्तियों के विभाजन की बात करें,
सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली को परिभाषित करने वाली मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि इसमें शक्तियों का बंटवारा करना, जिसका अर्थ है कि शक्तियों जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से सरकार की तीन शाखाओं में बांटा जाता है। पहली हो गई विधानसभा, दूसरी हो गई आपकी कार्यपालिका और तीसरी हो गई न्यायपालिका। इन तीनों के बीच क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। शक्तियों का कैसा बंटवारा होता है, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, क्लियर है ना, स्पष्ट बंटवारा होता है यहाँ पर। जबकि अगर हम अभी बात कर गए थे किसकी, संसदीय शासन प्रणाली की, तो वहाँ पर क्या नहीं था, शक्तियों का स्पष्ट कोई बंटवारा नहीं था, जबकि यहाँ पर शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा आपको देखने के लिए मिलेगा। जिसकी जो पावर है वो अपनी पावर के हिसाब से अपना जीवन जीता है। दोस्तों इतनी बात आपको याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य का मतलब क्या है, राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्य चुनने का अधिकार होता है। भाई सीधी सी बात है, राष्ट्रपति खुद अपना मंत्रिमंडल बनाएगा, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल कौन बनवाता है, अपना प्रधानमंत्री बनवाता है। किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर। इसके सदस्यों की नियुक्ति करने का, सरकार बनाने का पूरी आजादी होती है किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने हिसाब से मंत्री बनाता है, अपने हिसाब से मंत्री पद बांटता है, क्योंकि यही राष्ट्रपति है और यही देश का प्रधानमंत्री है, तो इसे किसी और से अनुमति लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। ये बात आपको क्लियर हुई। आगे बात करते हैं कानून बनाने का अधिकार। अब राष्ट्रपति शासन प्रणाली में होता क्या है, जो कार्यपालिका होती है वो संसदीय सरकार की कार्यपालिका की तुलना में कानून बनाने में बहुत ही कम अधिकार रखती है। भाई सीधी सी बात है, हम अगर संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो हमारे देश में मुख्य कानून कार्यपालिका बनाती है, यानी मंत्री बनाते हैं। कार्यपालिका इन द सेंस कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं। लेकिन जो हमारी अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है, वहाँ पर कानून बनाने का अधिकार किसी एक व्यक्ति के ही पास होता है, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कानून बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का यहाँ पर एग्जांपल दिया है। बहुत कम अधिकार अगर कानून बनाने का किसी को होता है तो वह है कार्यपालिका, जबकि संसदीय शासन में क्या होता है, कार्यपालिका को सबसे ज़्यादा अधिकार होता है कानून बनाने का। तो ये बात आपको याद रखनी है, कानून बनाने में भी क्या है, बहुत ज़्यादा इनमें अंतर पाया जाता है, क्लियर। संघीय व्यवस्था जो होती है, संघीय शासन क्या होता है, संघीय शासन की बात करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।